असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन, ये बुक आपकी बीएड सेकंड ईयर में होती है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 टॉपिक यानी कि लास्ट 10 ईयर में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके चांसेस हैं आपके इस ईयर आने के भी। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के स्टूडेंट के लिए क्लास यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हमारा मेन मोटो है आपको क्वेश्चन को समझाना, एंड वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्लास दोनों के लिए यूजफुल है। अगर आपको पीडीएफ में बुक डाउनलोड करनी है या नोट्स डाउनलोड करने हैं, सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेकआउट द लिंक। सो स्टार्ट कर देते हैं टॉप 10 टॉपिक। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद ही डिसाइड किए हैं कि मे बी इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे ही। लॉन्ग में मैं शेयर कर रही हूँ, शॉर्ट टाइप के ये नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टाइप में क्लियर कर लेते हो तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपका मटेरियल उसी से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको अदर नोट्स चाहिए एंड क्लासेस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। बीएड प्रैक्टिकल फाइल के आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बीएड की वीडियोज जिनमें नोट्स हैं एंड आपके लेसन प्लान सभी हैं वो अलग से मिल जाएगी। साथ ही साथ बीएड सेकंड ईयर के नोट्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अलग से मिल जाएंगे, सो आप चेकआउट कर सकते हो आपको जिसकी भी नीड है, क्योंकि क्लासेस श्योर हैं, डेली आपको क्लासेस मिलती हैं बीएड की मॉर्निंग में 10 AM पे, तो आप क्लास जरूर चेकआउट कर लीजिए। ये जो टॉपिक्स मैंने शेयर किए हैं वो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से, जो कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें आपको मेनली फोकस करना है कि जो आपका मटेरियल आप कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 हो या क्वेश्चन नंबर 10 हो, सभी का मटेरियल जो आपको तैयार करना है वो आपका 7 to 9 पेजेस का होना ही होना है। मिनिमम आप 7 पेजेस रख सकते हो, मैक्सिमम आप 9 to 10 पेजेस का कर सकते हो। मटेरियल आपको मेरे नोट से भी मिल जाएगा, मेरी क्लासेस से, या आप इंटरनेट से ले सकते हो। अगर आपकी क्लासेस हुई हैं रेगुलर तो आप वहाँ से ले सकते हो। सिर्फ इसमें टॉप 10 टॉपिक्स को कर लीजिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, अदर से करने की जरूरत नहीं है, अलग से एक भी आपको क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है। बट इतना कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिस्ट में दिए हुए हैं उन सब का इनफ मटेरियल आपके पास हो, तो आप यहाँ पे अब चेकआउट कर सकते हो टॉप 10 टॉपिक्स कौन से हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फर्स्ट यूनिट से, मैंने यूनिट वाइज ही यहाँ पे मोस्टली दिए हुए हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, एंड अगर आप तैयारी करते हो अपनी तो आप यूनिट वाइज इजीली कर पाओगे।